वो है वातावरण से अपने बच्चों को सुरक्षित रखना। आज के वातावरण में आप सब मेरे सामने बैठे हैं आदरणीय, मैं पूछूंगी कौन माता पिता जो भी सामने बैठे हैं आज के वातावरण से प्रसन्न है, बाहर के वातावरण से कौन संतुष्ट है, अपने बच्चे के निर्माण में कितनी अच्छा अनुभव करते हैं आज के वातावरण के संदर्भ में। आप सब चिंतित हैं, तो वातावरण से अपने बच्चों को बचा करके रखना। वातावरण विचारों का सबसे बड़ा वातावरण है, संगति का सबसे बड़ा वातावरण है। कुसंगति से अपने बच्चों को बचाना, अशुभ गुण कर्म स्वभाव के वातावरण से, बुरे गुण कर्म स्वभाव के वातावरण से अपने बच्चे को बचाना, उसके साथ बैठ करके कुछ समय संवाद करना। आज खेले थे किसके साथ खेले पुत्र, क्या क्या बातें हुई आपकी आपस में, बात बातों में ही सारी चीजों को समझ लेना। मुझे याद आती है जब मैं गुरुकुल में पढ़ती थी, मेरे पिताजी मुझसे एक बात पूछा करते, उस समय समझ में नहीं आई, बाद में जब बड़ी हो गई तब समझ में आई, बेटी तेरी सहेली कौन कौन है, मैं झट नाम गिनवा देती। फिर कहते बेटे क्या क्या बातें करते हो आपस में, मैं बता देती। बाद में मैंने देखा जब उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें इनमें से किसको मित्र बनाना है, इनको छोड़ दो और इनको मित्र बना लो, तो मैंने कहा पिताजी ने एकदम आदेश दे दिया, इसको छोड़ो इसको मित्र बनाओ। तो समझ में आया वो जो मुझसे हर बार जब मिलते थे ये बातें करते थे, उसमें उन्होंने परख लिया कौन मित्र के किसके संगति से तो इसका जीवन अच्छा बनेगा और किनकी संगति से ये सामान्य जीवन जिएगी, पकड़ लिया। बाद में समझ में आई ओहो आज इतना बड़ा आदेश दिया है, तो ये लंबे समय से जो मुझसे संवाद करते थे ये रहस्य था। उन बच्चों से बात करो, संवाद करो, यदि ऐसा कर पाते हैं, ये पांच चीजें मैंने आपको बताई हैं। आप अपने परिवार के बच्चों के साथ तो ऐसा करें तो हम मातृशक्ति बन पाएंगे, किंतु प्रतिवेशी पड़ोसी के बच्चों को, पार्क में जाते हैं तो उन बच्चों को, बच्चे बड़े गृहस्थ के सबसे सुंदर फूल हैं, सबसे बड़ी संपत्ति हैं, और उनको देने के लिए सबसे बड़ी संपत्ति संस्कार है, सुसंस्कार है, उनके गुण कर्म स्वभाव को उत्तम बनाना है। यदि ऐसा कर पाते हैं तो समझिए हम मातृशक्ति बन पाते हैं। आप देखिए मातृशक्ति की कितनी बड़ी कल्पना है। ज्ञान की उपासना करनी है तो सरस्वती देवी की कल्पना कर ली, वो भी मातृशक्ति है, सरस्वती स्त्रीलिंग है। बल की उपासना करनी है तो दुर्गा देवी की कल्पना कर ली, और धन की उपासना करनी है तो लक्ष्मी देवी की पूजा और कल्पना कर ली। तो सब जगह तो हम ही खड़े हैं। ज्ञान की प्राप्ति करानी है तो वहां पर भी हमें ही कर्तव्य का पालन करना है, अज्ञान को दूर करने का, और यदि अपने बच्चे को बलवान बनाना है तो वहां भी हमें ही खड़ा होना है, और यदि अपने बच्चे को धनवान बनाना है तो वहां भी लक्ष्मी बनकर के हमें ही खड़ा होना है। ये है मातृशक्ति के रूप। इसलिए तो जब बालक जन्म लेता है उसकी आंखें खुलती हैं तो वो माँ की गोद में आता है, वहां भी जननी माता है, जन्म देने वाली जननी ही माता है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो भूमि माता मिलती है जिस पर वो खेलता है, आनंद मनाता है, और जब उससे आगे बढ़ता है तो शरीर को और बलवान बनाने के लिए
गौ माता के दुग्ध का पान करता है। और जब ज्ञान की पाठशाला आरंभ होती है, ज्ञान की प्राप्ति आरंभ होती है, तो वेद माता की शरण में चला जाता है। तो यहां तो सब तरफ हम ही हैं, मातृशक्ति है, तो कहां कहां खड़े हो जाएं जहां हमें अपने कर्तव्य का अवसर ना मिले। सब जगह कर्तव्य हमें पुकार रहा है, सब जगह कर्तव्य पुकार रहा। इस कर्तव्य का पालन करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती के इतने, अभी मैं देख रही थी कार्यक्रम को कि मातृशक्ति सम्मेलन में महर्षि दयानंद के उपकार, कितने उपकार हैं। मैं तो अपने लिए कह सकती हूँ, यदि आज महर्षि दयानंद के द्वारा लिखे गया सत्यार्थ प्रकाश मेरे पिता के हाथ में नहीं आता तो मैं तो या तो मर चुकी होती या पशु का जीवन जी रही होती। बस मुझे तो एक ही चीज दिखाई देती, ये दयानंद का उपकार है कि आज मैं आपके सामने कुछ बोल पा रही हूं, ये ऋषि दयानंद का उपकार। महर्षि दयानंद का इतना बड़ा उपकार है हमारे जीवन में कि उनको गिने नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। रोम रोम ऋणी है। आज यदि गुरुकुल परंपरा है, आज यदि वेद का सत्यार्थ है, आज यदि सिद्धांतों का ज्ञान है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां दयानंद का उपकार हमें दिखाई ना दे, तो हम उसके उस दयानंद के हम मातृशक्ति सच्ची पुत्री बने और उसके द्वारा दर्शाए गए मानव निर्माण के काम को एक अपना महान, सबसे महान कर्तव्य मान करके चलते फिरते बाल चोच्चों को पकड़ पकड़ करके उनको संस्कारित करते। यदि ऐसा कर पाते हैं तो आज का हमारा मातृशक्ति का ये सम्मेलन, इसमें ये विचार निश्चित रूप से सफल होगा, सार्थक होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हुई आप सबका हार्दिक धन्यवाद।